हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपको थ्योरी पहले पढ़ाया जा चुका है, आपने वीडियो देख लिया होगा, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे मापन के न्यूमेरिकल्स, मापन और त्रुटियाँ। तो यहाँ पर मैं इससे पहले कि न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूँ, कुछ बातें आपको समझा दूँ। देखिए, ये जो चैप्टर है मापन का, उस मापन के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स का जो मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, वो इस तरह के न्यूमेरिकल को मैं टच कर रहा हूँ जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं। तो इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है। एक तो त्रुटियों पर आधारित, त्रुटि पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है जो वीमी सूत्र पर। दो ही टॉपिक है हमारे पास, तो सबसे पहले अपन वीमी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि वीमी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं देखें, यहाँ पर क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको कंप्लीट नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिकल टाइप का स्टेटमेंट, मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक समीकरण है, वो है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसको हम वांडरवाल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं, वांडरवाल गैस समीकरण के हम के नाम से जानते हैं। पी प्लस ए अपन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर इंटू टी। यहाँ पर हमको ए तथा बी की विमाएँ हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, तथा बी की विमाएँ ये हमको निकालना है। क्लियर। अब इस समीकरण में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से संकेत क्या हैं। तो यहाँ पर P, ये जो P है ये दाब है, P यहाँ पर P फॉर प्रेशर है, ये दाब है, और V जो है वह क्या है, आयतन है, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर R सार्वत्रिक गैस नीतांक, गैस नीतांक, और T क्या है, ताप है, यहाँ पर ये आयतन है। अब A तथा V की विमाएँ हमको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल कराना ही आपके लिए पर्याप्त होगा उस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो हमारा न्यूमेरिकल कराने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम उस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स को हमको आपको कराना सिखा दें। तो ये किस सिद्धांत पर बेस है, देखिए, विमी समांगता का सिद्धांत। विमी समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएँ पक्ष और दाएँ पक्ष की विमाएँ क्या होंगी, समान होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि समान विमाओं का ही आपस में जुड़ना या घटना होता है। गुणा और भाग किसी भी विमा का किसी के साथ में हो सकता है, लेकिन जुड़ना, जैसे हम किलोग्राम के साथ में मीटर नहीं जोड़ सकते, किलोग्राम के साथ किलोग्राम ही जुड़ेगा, लेकिन किलोग्राम के साथ हम मीटर का गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, जोड़ और घटा नहीं सकते। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट इसका यही है कि यहाँ पर ये दाब है, ये यदि दाब है तो ये जुड़ा है तो यह भी दाब होगा, क्योंकि दाब ही दाब के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर ये आयतन है तो ये भी बी भी आयतन होगा, क्योंकि आयतन ही आयतन के साथ में घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, ए अपान वी स्क्वायर की विमा, ए अपान वी स्क्वायर की विमा, इसकी विमा क्या होगा, चूंकि यह दाब के साथ में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए ए अपान वी स्क्वायर की विमा पी की विमा के बराबर होगा, पी की विमा के बराबर होगा। देयरफॉर अब ए का विमा ज्ञात कर रहे हैं हमको क्वेश्चन में, तो ए की विमा, ए की विमा एक बार इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो पी इंटू वी स्क्वायर की विमा। अब आपको प्रेशर माने दाब का विमा आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो सब देखो, ये न्यूमेरिकल्स आपसे तभी बनेंगे जब आपको सभी भौतिक राशियों का क्या होगा, विमा ज्ञात होगा। तो दाब की विमा, दाब का विमा आपको पता होना चाहिए, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल की विमा क्या होता है, बल की विमा होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और बटे क्षेत्रफल माने एल स्क्वायर, ये ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा। वैसे आपको सीधा रटा हुआ याद होना चाहिए, तो इसकी विमा है एम एल टू द पावर माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया P की विमा। और V क्या है, यहाँ पर आयतन है, तो आयतन की विमा क्या होता है L क्यूब, इसको हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल ये हो गया M L का पावर माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस टू, और इंटू ये हो जाएगा L
टू द पावर 6, ये सॉल्व करेंगे तो हो गया m l का पावर 6 माइनस 1, तो l का पावर कितना हो जाएगा 5 और t का पावर माइनस 2। इस प्रकार से a की बीमा हम ज्ञात कर लेंगे। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो a की बीमा इतना हो जाएगा, बहुत ही आसान है इसके न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो b की बीमा, तो v का बीमा ज्ञात करना है, तो क्या किसके साथ में घट रहा है, v के साथ, आयतन के साथ। तो कैसे निकलेगा, b की बीमा बराबर v की बीमा, क्योंकि हम उसके साथ उसको जोड़ या घटा रहे हैं। दैट इंप्लाइज b की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, v मतलब v की बीमा क्या है, आयतन। तो आयतन की बीमा क्या है, l क्यूब। दैट इक्वल, इसको हम लिखना चाहें तो m जीरो l क्यूब t जीरो भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट वही है कि यदि कोई भी भौतिक राशि किसी दूसरे भौतिक राशि के साथ में जुड़ रहा है या घट रहा है, तो उसकी बीमा उसके समान होती है, क्योंकि समान बीमाएं ही जुड़ती हैं या समान बीमाएं ही घटती हैं। गुणा किसी के साथ भी हो सकता है, गुणाभाग हो सकता है। क्लियर? तो ये देख लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान है ये। इसका आंसर है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर मैं बता रहा हूँ, इसका पैटर्न बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि किस तरह से उसको हमको बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये है। यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखते हैं, वी इक्वल ए प्लस बी टी, वी इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। अब यहाँ पर हमको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमको किसकी किसकी बीमा ज्ञात करना है, यहाँ पर ए बी सी, क्लियर, सी अपॉन डी प्लस टी हो गए, डी प्लस टी। तो ए बी सी तथा डी, तथा डी की बीमाएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है, ए बी सी तथा डी की बीमाएं ज्ञात करना है, या मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आप चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो डी से। क्यों यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टी के साथ में ये ऐड हो रहा है, और ये टी के साथ में तभी ऐड होगा जब दोनों की बीमाएं समान है। वैसा ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही इसका पैटर्न है। एक बार इस पैटर्न को आप पकड़ लिए तो फिर सारा क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी की बीमा निकालता हूँ। फर्स्ट नंबर में डी की बीमा, डी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, टाइम के बीमा के बराबर होगा, क्योंकि उसके साथ में जुड़ रहा है, तो वो हो जाएगा टी की बीमा के बराबर होगा। तो दैट इक्वल डी की बीमा, टी की बीमा क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। कितना आसान, एक लाइन का, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर में हम किसका निकाल लें तो अच्छा है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वेग है, लेफ्ट हैंड साइड में वेग है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड का हर टर्म वेग है। ये वाला टर्म ही वेलोसिटी होगा, ये वाला भी टर्म ही वेलोसिटी होगा, और ये वाला टर्म भी वेलोसिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेग है, तो सभी वेग जुड़ के वेग बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि वेग हो और ये टेम्परेचर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यह भी वेलोसिटी वेग होगा, यह भी वेग होगा, यह भी वेग होगा। कहने का मतलब ये जो मैं बॉक्स में यहाँ पर भरा हुआ हूँ, सब के सब वेग ही होंगे। ठीक है, तो ए की बीमा हम निकाल लें यहाँ पर, ए की बीमा, तो ए की बीमा किसके बराबर होगा, इसकी बीमा के बराबर होगा, वी की बीमा, क्योंकि बाया पक्ष वेग है तो राइट हैंड साइड भी पूरा वेग होगा, वी की बीमा। तो ए की बीमा बराबर हो जाएगा, वी की बीमा होता है एल टी टू द पावर माइनस वन, जिसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस वन। ये हो गया सेकंड नंबर हमारा, ए की बीमा। तो ये बहुत आसान है, आप देखो बस आपको समझते जाना है कि क्या है। अब यहाँ पर देखें बी टी, तो दोनों का एक साथ कंबाइंड निकलेगा, वो हो जाएगा बी टी की बीमा बराबर, यह भी वेग है तो यह भी वेग है,
तो कितना हो जाएगा, वी की बीमा के बराबर हो जाएगा, वी की बीमा। दैट इम्प्लाइज बी की बीमा निकालना है, टी को पक्षांतर कर दो तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, वी की बीमा बटे, ये बटे में आएगा, टी की बीमा, टी की बीमा। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, दैट इक्वल वी की बीमा मतलब एल टी टू दी पावर माइनस वन, वेग की बीमा, समय की बीमा क्या हो जाएगा, टी की बीमा, ये टी हो गया। दैट इक्वल अब टी का पावर वन है, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो एल टी टू दी पावर माइनस टू, जिसको हम लिख सकते हैं एम जीरो। वैसे एम जीरो को लिखना जरूरी नहीं होता, फिर भी अब टी टू दी पावर माइनस टू, ये हो गया किसकी बीमा, बी की बीमा निकाल लिए, क्लियर। डी की निकाल, इस प्रकार से आपको पार्ट पार्ट में निकालते जाना है, बहुत ही आसान है। बेसिकली आपका एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कंबाइंड इसकी बीमा, तो सी अपॉन, सी का निकालना है, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सी अपॉन डी प्लस टी की बीमा बराबर, ये भी वेग होगा तो वी की बीमा। दैट इम्प्लाइज देखो सी अपॉन डी प्लस टी, तो डी प्लस टी क्या है, हम निकाल चुके हैं, डी की बीमा क्या है, वो टाइम है, और टी तो टाइम ही है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों टाइम हो गए, क्योंकि टाइम टाइम के साथ जुड़ सकता है। तो सी की बीमा यदि हम निकालें सीधा यहाँ पर, सी की बीमा बराबर वी, और जाके ऊपर गुणा हो जाएगा इंटू टी, इसको दोनों को हम टी कह सकते हैं, टी की बीमा इसके बराबर होगा। दैट इक्वल वी की बीमा एल टी टू दी पावर माइनस वन, और टी की बीमा टी, दैट इक्वल यहाँ पर टी का पावर वन है, ये माइनस वन वन जीरो हो जाएगा, तो हो गया एल, दैट इम्प्लाइज एम जीरो एल टी टू दी पावर जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ईजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस तरह की बीमा हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर। बाएं पक्ष वी है, तो दाएं पक्ष का हर पार्ट भी क्या होगा, वेग होगा, और समान बीमाएं ही आपस में जुड़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर हम इसको निकालते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा ए बी सी तथा डी की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सब के सब, मैं इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो इसी बेस पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि जिस तरह के क्वेश्चन वो अप्रोच में आते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट, इसमें एनसीईआरटी का कलेक्शन, इस तरह के अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है, इसलिए मैं उसको अपने हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इसी तरह का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट अलग होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, आप ये ध्यान रखना कि फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, ये है सपोज y इक्वल टू ए साइन टू पी अपॉन टी, ए साइन टू पी अपॉन टी, क्लियर। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिख दिया। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है P, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये P एक कांस्टेंट है, और हमको ज्ञात करना है P की बीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है इसी फॉर्म का। यहाँ पर स्पेशल बात इसमें क्या है कि यहाँ पर हमको P का बीमा फाइंड करना है, और P क्या है, साइन के सामने जो ये लिखा गया है 2P अपॉन T, वो कंप्लीट एक फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है, और साइन के सामने जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कोण लिखा जाएगा, क्योंकि साइन के आगे किलोमीटर लीटर किलोग्राम तो होगा नहीं, साइन के सामने, साइन कॉस टेन के सामने कोण ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ये वास्तव में क्या है, कोण है, और उसी में शामिल है पी, तो हम क्या लिखेंगे, टू पी अपॉन टी की बीमा बराबर कोण की बीमा, क्योंकि वो कोण है, और आपको पता है कि कोण क्या है, बीमाहीन राशि है, कोण क्या है, बीमाहीन राशि है, कोण का कोई बीमा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, चाप बटे त्रिज्या है, दोनों आपस में कट जाते हैं, तो देयरफॉर टू पी अपॉन टी की बीमा बराबर बीमाहीन राशि, मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो।
अब हमको फाइंड करना है कि इसका पी की बीमा, टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन ऐसे ही हटा देते हैं, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं है, तो पी की बीमा बराबर इसको उधर पक्षांतर कर दो, एम जीरो ए जीरो टी जीरो इंटू ए क्या है टाइम, तो टाइम की बीमा क्या हो जाएगा टी, इस तरह से पी का बीमा हो जाएगा एम जीरो एल जीरो इंटू टी, एम जीरो एल जीरो इंटू टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि टाइम नीचे है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कभी भी इस फॉर्म में साइन या किसी भी कोण, देखो हमारा बताने का मकसद केवल एक इस एक क्वेश्चन को बताना है ऐसा नहीं है, हमारे बताने का मकसद है इस पैटर्न के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कल के लिए आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जिसमें भी कोण के सामने या साइन कॉस टेन के सामने कोई भी भौतिक राशि हो तो उसको आपको विमाहीन राशि लिखना है, क्योंकि कोण की कोई विमा नहीं होती। क्लियर, तो बहुत दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपने बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम देखते हैं त्रुटियों पर आधारित न्यूमेरिकल्स। ये तो मैंने आपको बताया विमी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स, अब हम देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम त्रुटियों पर आधारित लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन आपको सबसे पहले बता दूँ, देखिए सपोज ये त्रुटियों पर आधारित क्वेश्चन है ना, त्रुटियों पर आधारित, त्रुटियों पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। सपोज हम कहीं किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। न्यूमेरिकल्स देखो मापन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर कई क्वेश्चन हमको ऐसे क्वेश्चन पर बात करना होता है जिसके भी आपकी पढ़ाई नहीं हुई रहती, इसलिए क्या है कई बार इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मान लो विभव नाम मापने में, विभव मापने में सपोज 5% की त्रुटि होती है और सपोज धारा मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके प्रतिरोध, एक आसान क्वेश्चन है जिसको मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, प्रतिरोध मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। किसी चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो धारा को मापने में 2% की त्रुटि हो रही है और उसके विभव को मापने में 5% की त्रुटि हो रही है, तो प्रतिरोध मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, त्रुटि के क्वेश्चन बनाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि आपको जो त्रुटि से रिलेटेड जानकारी दी गई है उससे आपको फार्मूला, उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो वी आई और आर, ये वी है, ये आई है और ये आर है। तो वी आई और आर में क्या संबंध है, ओम के नियम से हम जानते हैं वी बराबर आई इंटू आर होता है, तो चूंकि वी बराबर आई इंटू आर होगा और आर मापने में हमको त्रुटि निकालना है तो आर को अकेले रखो और आई को इधर पक्षांतर कर दो, तो वी अपान आई ये हो जाएगा। अब इसको हम त्रुटियों के रूप में इस फार्मूला को लिखें तो आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया है, चैप्टर आपने पढ़ा होगा त्रुटि में, तो भाग का जो त्रुटि होता है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल आर अपान आर इक्वल वी को लिख सकते हैं क्या, डेल वी अपान वी, और प्लस इसको लिख सकते हैं अपन डेल आई अपान आई, ये भाग में त्रुटि मापने का फार्मूला है। अब हमको डेल आर अपान आर निकालना है, तो देयरफॉर डेल आर अपान आर इक्वल टू डेल वी अपान वी, ये डेल वी अपान वी है, यह खाली इसको हम वी कहें तो प्रतिशत निकालने के लिए अपना 100 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा 2/100, देयरफॉर डेल आर अपान आर इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 7/100। इसलिए जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा क्या 7/100 इंटू 100, दैट मीन्स 7%, ये इसका आंसर है, बहुत आसान है। और यदि आप चाहें तो अपान 100 ना लिख के सीधा 5+2 डायरेक्ट उसको 7% भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए। तो त्रुटि निकालना आसान है, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन इसमें करा दूँ आपको तो सब क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं त्रुटियों पर आधारित, सभी क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज
कोई गतिशील पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और वेग v है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि द्रव्यमान और वेग में त्रुटि कितना होता है। तो मान लो द्रव्यमान मापने में, द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया है द्रव्यमान में त्रुटि, द्रव्यमान में त्रुटि सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको कुछ भी अपन ले लेते हैं 1% सपोज, 1% त्रुटि होता है द्रव्यमान मापने में। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एम अपान एम लिख सकते हैं। सीधा आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं द्रव्यमान में त्रुटि इतना, और उसी प्रकार से वेग मापने में, वेग में जो त्रुटि है वो है सपोज 2%, 2%, माने इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल वी अपान वी ये है 2%। तो गतिज ऊर्जा मापने में कितनी त्रुटि होगी इसमें हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है क्या, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, ये हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसमें जिसकी आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है उसका आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। तो हमको पता है कि गतिज ऊर्जा निकालने का जो फार्मूला है के बराबर होता है 1/2 mv². अब इसको हम यदि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को यदि हम त्रुटि के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल के अपान के, ये कांस्टेंट है उस पर को त्रुटि में शामिल नहीं करते, एम के लिए क्या हो जाएगा डेल एम अपान एम, और ये हो जाएगा प्लस, ये जो पावर होता है वो सामने आके गुणा हो जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है ना, तो हो जाएगा 2 डेल वी अपान वी दैट इक्वल डेल एम अपान एम का वैल्यू क्या है 1%, ये 1% और प्लस ये 2 डेल वी अपान वी का कितना है 2, ये हो जाएगा 2 दैट इक्वल 1+4 दैट मीन्स 5%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसान है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको किस में त्रुटि दिया है उसको लिख लेना है, और जिसका त्रुटि ज्ञात करना है वो सूत्र को लिख के वो सॉल्व हो जाता है, बस आपको बेसिक फार्मूला पता। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से क्वेश्चन अपन बनाते हैं, ठीक है। एक आता और अच्छा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, देखिए ये मैं मिटा दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से आपका इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको भौतिक राशि पर संबंध नहीं पता हो तो आपको क्वेश्चन में ही वो संबंध दिया रहेगा। तो हमको यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है P=, यहाँ एक संबंध दिया है P=a²(b³)/a³b² है, सॉरी ये पावर उल्टा लिख दिया मैं, एक क्यूब है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर अपन √c·d, ये हमको एक रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर त्रुटियों को दिया गया है क्वेश्चन में कि a की त्रुटि, क्वेश्चन में दिया हुआ है a की जो त्रुटि है और b की त्रुटि, c की त्रुटि और d की त्रुटि, a b c d ये चारों की त्रुटि हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1%, 3%, 4%, 2%, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4% और 2%। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि P=a³(b²)√c·d और a पर त्रुटि इतनी, b पर त्रुटि, c पर, d पर इतनी त्रुटि, तो हमको P की त्रुटि ये क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूला इस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें आपको, यह और बहुत आसान है क्योंकि फार्मूला खुद दिया हुआ है। तो जब हम इसके लिए त्रुटि का फार्मूला बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर त्रुटि का फार्मूला बनाने के लिए हम लिखेंगे इसको डेल पी अपॉन पी, अब ध्यान देना ए का घात 3 है तो 3 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, प्लस बी पावर सामने आएगा 2 डेल बी अपॉन बी, प्लस ये रूट है मतलब 1/2 है तो 1/2 डेल सी अपॉन सी, और प्लस इसका पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा डेल डी अपॉन डी, क्लियर, दैट इक्वल 3। यदि हम इसका परसेंटेज इधर निकालना चाहें तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए इंटू 100 लिख सकते हैं।
तो 3 इंटू ए अपान ए कितना परसेंट टूटी है, 1, तो 1 अपान 100 हो गया, प्लस 2 इंटू ये कितना है 3, ये हो गया 3 अपान 100, प्लस ये 1 अपान 2, सी में कितनी टूटी है 4, तो हो जाएगा 4 अपान 100, और प्लस डेल डी में 2%, 2 अपान 100 और इंटू 100 ऐसा लिखा जा सकता है, क्लियर। दैट इक्वल, अब ये 100 एलसीएम है तो कितना हो जाएगा, सब में 100 एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, सब को लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6, धन यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा, तो 2 और प्लस यहाँ से बचेगा 2 अपॉन 100, दैट इक्वल ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 3 9 10 11 12 13 13%। देखिए बहुत आसान है, ये वाला आपको पोर्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो ये 13% इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जो क्वेश्चन आप बनाते हो इसमें, उसमें सबसे पहले जो फार्मूला आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फार्मूला आपको लिखना होगा, जैसे पहले के क्वेश्चन में बताया, और इसको त्रुटि के फार्म में लिखना है। तो ये बहुत आसान है, और इस चैप्टर से आपको इस तरह का दो टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको करना है। पहला मैंने जो बताया कि वीमी सूत्र पर आधारित कुछ राशियाँ ए बी सी दिया रहता है, उसका विमा ज्ञात करना, और दूसरा क्या है त्रुटि। तो इतना न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद बाकी न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में जो गति का नियम है हमारा, सरल रेखा में गति है, वहाँ से मैं आपको एनसीईआरटी के कलेक्शन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, थैंक यू।